अलजेब्रा, अलजेब्रा मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें वेरिएबल्स की मदद से हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कुछ वैल्यूज होती हैं जिनको हम टर्मिनोलॉजी, अलजेब्रा इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ अननोन वैल्यूज। अननोन वैल्यूज को हम नॉर्मली वेरिएबल्स कहते हैं। ये अर्थमेटिक से कैसे डिफरेंट है कि अर्थमेटिक में नोन नंबर्स होते हैं, जैसे 5 + 3, ये अर्थमेटिक का ऑपरेशन इज इक्वल टू 8, जबकि अलजेब्रा में कोई ना कोई अननोन इन्वॉल्व होता है और इसमें मुख्तलिफ सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन बिल्कुल सेम वही है जो अरिथमेटिक में होते हैं कि मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह। अलबत्ता इसमें वेरिएबल्स के लिए मुख्तलिफ सिंबल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कॉमनली एक्स इस्तेमाल किया जाता है, वाई इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोई भी सिंबल हो सकता है, ए, के, पी वगैरह वगैरह। एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स, कॉन्स्टेंट्स और ऑपरेटर्स, जैसे कि 3 और 3 + 5 एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो सिंपल अर्थमेटिक का है क्योंकि इसमें नोन वैल्यूज है। तो ये इसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं? दो नोन नंबर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स, और एक ऑपरेटर प्लस का। इसी तरीके से x + 12, इसमें x वेरिएबल है, प्लस का साइन ऑपरेटर है और 12 इज ए कॉन्स्टेंट नंबर। एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटर्न विदाउट ऑपरेटर्स एज लॉन्ग एज वेरिएबल्स आर नॉट। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे 7 के एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल मौजूद है और एक कॉन्स्टेंट नंबर है ए, ये भी एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसी तरह से एक्स स्क्वायर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इक्वेशन, इक्वेशन में, अलजेब्रिक इक्वेशन में दो साइडों पर मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं और दोनों साइडें हर सूरत में इक्वल होंगी, जैसे कि दिया गया है x + 37 इज इक्वल टू 68, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसमें एक्स वेरिएबल है, 37 और 68 कॉन्स्टेंट है, और प्लस का साइन ऑपरेटर है, और इक्वल का साइन की वजह से ये एक इक्वेशन है। और अलजेब्रा में बेसिक रूल बिल्कुल बैलेंस की तरह से होता है कि दोनों साइडें बैलेंस होंगी, यानी कि अगर हम एक साइड के ऊपर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उतनी ही चीज़ दूसरे साइड पर ऐड करेंगे ताकि बैलेंस रहे। अगर किसी एक साइड से कोई क्वांटिटी कम की जाती है तो दूसरी साइड से भी उतनी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी ताकि बैलेंस बरकरार रहे। अब हम इसको देखते हैं, ये दिया गया है x + 23 इज इक्वल टू 45। इसमें हमने अननोन एक्स मालूम करना है। हिट एंड ट्रायल से देखते हैं कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसको 23 में ऐड करें तो 45 आ जाए। जाहिर है ये 22 एक ऐसा नंबर है जो 23 में ऐड करें तो 45 आ जाता है, यानी कि एक्स की वैल्यू 22 है। लेकिन हर क्वेश्चन को हम इस तरह से हिट एंड ट्रायल से सॉल्व नहीं कर सकते। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं और बाज़ुकात वैसे भी सिंपल क्वेश्चन में भी अननोन मालूम करना मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको एक प्रोसीजर से सॉल्व करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि आप बैलेंस रखेंगे दोनों साइड पर, अगर एक साइड पर ऐड करते हैं तो दूसरे साइड पर भी उतनी ही क्वांटिटी ऐड करनी होगी। इसलिए यहां पर दिया हुआ है x + 23 x + 23। अब एक्स को एक साइड पर रखने के लिए हम इसको दूसरे साइड पर ले जा रहे हैं, तो +23 था, मैंने -23 यहाँ कर दिया। अगर इक्वेशन के इस साइड से -23 करेंगे तो दूसरे साइड पर भी -23 करना होगा, तो यहाँ से ये तो 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 23 प्लस का है और ये माइनस का 23 है, कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और इधर से 42 में से 23 माइनस होगा 22, यानी कि एक्स की वैल्यू 22 है। फिर ये इक्वेशन है x + 23 इज इक्वल टू 2x + 45। अब यहां पर एक और अननोन भी मौजूद है जो कि सेम है एक्स के लिहाज से। अब हम इसमें से एक्स को इस साइड पर लेकर आते हैं, तो इधर एक्स में से माइनस एक्स किया तो इस साइड पर भी माइनस एक्स कर दिया। अब ये दोनों खत्म और ये बच गया आपके पास 23 इज इक्वल टू x + 45। अब 45 को दूसरे साइड पर लाना है ताकि एक्स अकेला रह जाए, तो दोनों साइड से -45 कर देते हैं, तो ये 45 45 से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू -23 22, क्योंकि 43 45 में से 23 माइनस किया, और क्योंकि
45 बड़ा नंबर माइनस का था, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया, -22। तो एक्स की वैल्यू आती है -22। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 3x + 7 = 28। अब इसमें से 7 को इस साइड पर ले जाना है ताकि एक्स को आइसोलेट किया जा सके। इसके लिए हम दोनों साइड पर -7 करेंगे। तो आप ये देखें कि +7 - 7 ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इस साइड का -7 बच जाएगा। इसलिए हम सिंपली ये कहते हैं कि जब +7 को दूसरे साइड पर ले जाना है तो +- के लिहाज से अगर हम लेकर जाएंगे तो इस दूसरे साइड पर जाते ही इसका साइन चेंज कर दें, यानी कि ये 3x = 28 और ये +7 दूसरे साइड पर आकर -7 हो गया। तो यहां से 3x = 21 आ गया। अब इन दोनों को 3 से डिवाइड कर दें ताकि ये 3 इधर से खत्म हो जाए, ये इससे खत्म हो गया, तो x = 7 आ गया, जो कि इसका आंसर है। इसी तरह से 7x + 7 - 2x = 27 + 3x, इसमें हम x को आइसोलेट करते हैं। तो सबसे पहले 7x और -2x, ये तो हो गया 5x + 7 = 87 + 3x। अब इस +3x को दूसरे साइड पर लाते हैं, तो दोनों साइड में -3x करेंगे, या दूसरे लफ्जों में ये दूसरे साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 5x - 3x = ये तो खत्म। अब ये 7 मैंने इस साइड पर लाना है ताकि x को एक साइड पर किया जा सके। तो 87 तो पहले मौजूद था, ये +7 है, दूसरे साइड पर आकर ये -7 हो गया। तो 5x - 3x = 2x = 80, और अब इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से, तो x = 40 आ गया, जो कि इसका आंसर है। टर्म्स एंड फैक्टर्स की डेफिनेशन। टर्म प्लस माइनस, जब इक्वेशन में या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में प्लस माइनस का साइन होता है तो प्लस माइनस के साइन के साथ जो नंबर और वेरिएबल मौजूद होते हैं वो टर्म कहलाती हैं। जैसे 5x ये एक टर्म है, अगर हम इसको लिखते हैं 5x + 3, तो अब ये दो टर्म्स हैं क्योंकि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन। अब इसमें ये जो 5 है ये इसका कॉफिशियंट है और ये इसका वेरिएबल है। कॉफिशियंट जो है टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि 2x का मतलब है 2x और x + x, ये 2x होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब इसमें देखें 5x + 3y, इसकी भी दो टर्म्स हैं क्योंकि प्लस या माइनस के साइन से टर्म अलग होती हैं। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। इसमें 5 जो है वो कॉफिशियंट है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और x जो है वेरिएबल है। इसमें 3y का कॉफिशियंट है। इसमें फर्स्ट टर्म 5x हो गई और फैक्टर्स जो है इसके, फैक्टर्स जैसे कि आप अर्थमेटिक के लेक्चर में सुन भी चुके होंगे और पढ़ चुके होंगे कि फैक्टर क्या होता है। जैसे 15 है वो 3 × 5 के इक्वल है, तो 3 15 का फैक्टर है, 5 भी 15 का फैक्टर है। इसी तरीके से 5x जो है वो इक्वल है 5 × x, तो 5 इस पूरी टर्म का 5x का फैक्टर है, और इसी तरह से x भी 5x का फैक्टर है। इसी तरह 3y में देखें, इसमें कौन कौन से फैक्टर होंगे, 3 भी फैक्टर है 3y का और y भी फैक्टर है 3y का, और 3 और 5 खुद क्या है, ये कॉफिशियंट्स हैं अपने अपनी टर्म के। देखिए अब ये दिया गया है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 3x² - 7ab + 2e π√। अब इसमें 3 टर्म्स हैं, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है, क्योंकि प्लस माइनस के साइन से टर्म्स अलग अलग होती हैं। इसमें पहली टर्म में इसमें कॉफिशियंट है 3 और x वेरिएबल है और ये एक्सपोनेंट है। सेकंड में 7 - 7ab, इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर है -7 और a और b भी इसके फैक्टर हैं, क्योंकि -7ab a से भी डिवाइड हो सकता है, इसका आंसर आ जाएगा -7b। इसी तरीके से
माइनस सेवन ए बी बी से भी डिवाइड हो सकता है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सेवन ए आ जाएगा, और माइनस सेवन ए बी को सेवन से भी डिवाइड कर सकते हैं, सेवन से सेवन कैंसिल, तो ये माइनस ए बी आ जाएगा। इसका मतलब है इसके कितने फैक्टर हो गए, माइनस सेवन ए और बी। थर्ड टर्म इसमें है टू ई पाई अंडर रूट, तो फैक्टर कौन कौन से हो गए, टू ई और पाई, और ये थ्री कॉफिशेंट है एक्स स्क्वायर का, माइनस सेवन कॉफिशेंट है ए बी का, और यहाँ पर टू कॉफिशेंट है ई का, और पाई भी कॉफिशेंट बनेगा क्योंकि इस साइड पर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मसलन फाइव पाई इस तरह भी लिखा जा सकता है और पाई इंटू फाइव भी लिखा जा सकता है, तो फाइव इस केस में भी कॉफिशेंट है और इसमें भी पाई का कॉफिशेंट है, लेकिन पाई खुद एक नंबर है इसलिए हम कहेंगे पाई अंडर रूट भी एक कॉफिशेंट है ई का। लाइक टर्म्स, लाइक टर्म इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हम लाइक टर्म्स के ऊपर ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें सेम वेरिएबल है और पावर भी सेम है, यानी कि एक्स थ्री एक्स और फाइव एक्स ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और थ्री एक्स स्क्वायर और फाइव एक्स लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि इसका एक्सपोनेंट यानी कि पावर सेम नहीं है। अलबत्ता अगर इस पर भी पावर टू होती तो ये सेम टर्म होती है यानी कि लाइक टर्म्स होती, और इनको प्लस माइनस किया जा सकता, प्लस करने के बाद ये एट एक्स स्क्वायर आ जाएंगी। इसी तरह से माइनस एट एक्स स्क्वायर एंड फाइव वाई स्क्वायर नॉट लाइक टर्म्स क्योंकि इसमें वेरिएबल डिफरेंट है, इसका एक्स है इसका वाई है। सब्ट्रैक्टिंग टर्म्स या एडिशन ऑफ, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, थ्री पेन्स फाइव बुक्स, टू पेन्स फोर पेन्स थ्री बुक्स। अब अगर हम इनको ऐड करें तो हम सेम चीजों को ऐड कर सकते हैं, बुक और पेन आपस में ऐड नहीं हो सकते, थ्री पेन और टू पेन्स और फोर पेन्स ये अलग से ऐड हो सकते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स काउंट होती हैं। जब एक जैसी चीजें, पेन में पेन ऐड हो सकता है, पेन में बुक ऐड नहीं हो सकती, तो इसमें टोटल पेन आगे नाइन पेन्स, और बुक्स कितनी है, फाइव बुक्स और थ्री बुक्स, तो ये एट बुक्स हो गई। इस तरह से एक्स और वाई की टर्म्स, एक्स वाली टर्म्स अलग से ऐड होंगी, जैसे पेन में पेन ऐड हो सकता है तो एक्स में एक्स ऐड हो सकता है, वाई में वाई ऐड हो सकता है, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड हो सकता है, एक्स में एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर या एक्स थ्री में ऐड नहीं होगा। ब्रैकेट्स, अलजेब्रा में एक्सप्रेशन लिखते हुए अमूमन ब्रैकेट्स को इस्तेमाल किया जाता है, तो उनके नाम क्या है, राउंड ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट है जिसको हम इस तरह लिखते हैं, इसी को पैरेंथेसिस भी कहते हैं। फिर इससे बड़ी ब्रैकेट है ब्रैकेट्स जिनका नाम ही ब्रैकेट है, जिनको बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं, वो इस तरह से लिखी जाती है। फिर कर्ली ब्रैकेट्स, ब्रेसेस भी कहते हैं, वो इस तरह लिखी जाती हैं, यानी कि ये चीज। अगर हमने सिंप्लीफाई करना हो तो रूल मौजूद है, जब ब्रैकेट्स अगर तरतीब से लिखी हुई हैं तो सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर जो क्वांटिटी होगी उसे सॉल्व किया जाएगा, जब वो सॉल्व हो जाएगी और उसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट मौजूद है तो वो इस्तेमाल होगी, यानी कि बारी बारी। और बिल्कुल सिंपल रूल ये होता है कि सबसे अंदर वाली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उससे बाहर वाली, फिर उससे बाहर वाली। तो अब इस केस में देखें कि ये है माइनस सेवन और ये बॉक्स ब्रैकेट्स आ गई हैं या ब्रैकेट्स हैं, फिर अंदर भी ब्रैकेट मौजूद है जो कि पैरेंथेसिस है, तो हम पहले अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाहर वाली को नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस सेवन इंटू टू ए माइनस बी। इसका मतलब है इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेवन ए माइनस फोर्टीन बी। अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है क्योंकि ए में से बी तो माइनस होना नहीं था, इसलिए हमने इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये फोर बी। अब फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले अंदर क्या है इसके, तो ये हो जाएगा सेवन ए माइनस फोर्टीन बी और फोर बी, यानी कि ये एटीन बी हो गया। अब
ब्रैकेट को भी सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ब्रैकेट को हम खोल देते हैं और ये हो जाएगा -7a प्लस 18b, और इसको प्लस वाले को पहले लिखना चाहे तो ये 18b माइनस 7a। पावर रूट्स एंड रेडिकल्स, इंडेक्सेस, पावर और एक्सपोनेंट, ये किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर दी जाती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर्स कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं, या बाद का इंडेक्सेस भी कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 3, तो ये 5 इसमें बेस है और 3 इंडेक्स है, पावर है या एक्सपोनेंट है, ये तीनों इसी के नाम है। और इसका मतलब क्या है, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 को अपने आप से 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें, यानी कि 5 × 5 × 5 जो कि इक्वल हो जाएगा 125 के। इसी तरह से अगर 7 के ऊपर 4 पावर है तो ये होगा 7 × 7 × 7 × 7। जैसे यहाँ पे और मजीद एग्जांपल है, 5 की पावर 4, 4 टाइम किया 625, 5 × 3 = 125 आ गया, 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25, 5 की पावर 1 = 5 और 5 की पावर 0 = 1, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 हो तो वो 1 होगा, हत्ता कि आप कहें कि -1 के ऊपर भी अगर आप 0 ले लेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा। और अगर पावर नेगेटिव हो तो वो रेसिप्रोकल को शो करती है, जैसे कि यहाँ दिया गया -1, 5 की पावर -1 को हम लिखेंगे 1/5। अगर 5 की पावर -2 है तो 1/5 की पावर 2 हो गया, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/5 × 5 = 125। और सेम केस 5 की पावर -3 हो तो ये 1/5 की पावर 3 जो कि 1/25 के इक्वल आता है। मल्टीप्लाइंग नंबर विद द सेम बेस, अगर सेम बेस हो तो हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब देखें 4 की पावर 3 × 4 की पावर 5, ये 4 की पावर 3 क्या है, ये 3 दफा 4 मल्टीप्लाई हो गए। 4 की पावर 5 क्या है, 5 टाइम 4 मल्टीप्लाई हो गए। तो एक्चुअली अब अगर इन्हें देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम ये 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 4 की पावर 8 ही बन गई ना, क्योंकि 3 ये और 5 ये, तो 4 की पावर 8। तो इसलिए अगर सेम बेस के साथ नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएं तो पावर्स को ऐड कर दें, जैसे 4 की पावर 3 × 4 की पावर 5 = 4 की पावर 3 + 5 = 4 की पावर 8। तो इससे हमारे पास एक जनरल रूल आ गया कि सेम बेसिस ए और ए सेम बेसिस हैं, अगर सेम बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड हो गई, जैसे कि इसमें पावर थी m और n, दोनों a की पावर m प्लस n हो गया। डिवीजन के केस में आप देखेंगे अगर 3 की पावर 6 है तो 6 टाइम 3 मल्टीप्लाई हो गए, और नीचे है 3 की पावर 2 तो 2 टाइम हो गए, तो अब ये 2 टाइम इनसे कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी बचा 4 टाइम, तो ये 3 की पावर 4 यानी कि 81 आ गया। तो आप देखेंगे यहाँ क्या हुआ, एक्चुअली नीचे वाली पावर जो है वो ऊपर वाले में से माइनस हो गई है, क्योंकि टोटल पावर 6 थी, 2 माइनस हुआ तो ये 3 की पावर 4 बच गया। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये 3 की पावर 6 − 2 के इक्वल था, जो कि 3 की पावर 4 के इक्वल है। यहाँ से हमारे पास जनरल रूल बन गया a की पावर m / a की पावर n = a की पावर m − n, यानी कि जो पावर ऊपर थी उसमें से नीचे वाली पावर माइनस हो गई, बशर्ते के सेम बेसिस डिवाइड कर रही हूँ। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो उसके 2 तरीके, एक तो ये है कि ब्रैकेट लगाकर, जैसे इसके अंदर है 4 की पावर 2 की पावर 3, तो ब्रैकेट की वजह से क्या हुआ कि ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो 3 दफा मल्टीप्लाई होगा, तो 4 की पावर 2 4 की पावर 2 4 की पावर 2, तो ये बन गया 4 की पावर, अब ये तो ऐड हो जाएंगे आपस में, तो ये 4 की पावर 2 + 2 + 2 = 4 की पावर 6 हो गया। तो यहां से हमें पता चला कि अगर ब्रैकेट की शक्ल के अंदर पावर ऊपर मौजूद हो तो दोनों पावर्स को, अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर को मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया a की पावर m और ब्रैकेट फिर पावर n, देन आंसर क्या आएगा, a की पावर m into n, रेजिंग ए प्रोडक्ट टू पावर। अब अगर इस तरह से दी हुई सिचुएशन हो
कि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर पावर मौजूद है, तो एक्चुअली पावर दोनों के ऊपर मौजूद है। ये ख्याल रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट डिवीजन के लिए ऐसे केसेस आते हैं, प्लस माइनस में ये सिचुएशन नहीं होगी। तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 ये इसका आंसर है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी की अगर कंबाइंड पावर एन है तो वो ए की इंडिविजुअल और बी की इंडिविजुअल पावर भी बनेगी और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बटे के नंबर यानी कि क्वेश्चंस के ऊपर पावर हो तो वो भी दोनों नंबर के ऊपर पावर बन जाएगी, क्योंकि सिर्फ प्लस माइनस में ऐसी सिचुएशन नहीं आती, मल्टीप्लीकेशन डिविजन में ये सिचुएशन बनेगी। यानी कि 2/3 की कंबाइंड पावर 5 है तो ये इक्वल होगी 2 की पावर 5/3। जनरली ए ओवर बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन ओवर बी की पावर एन। तो ये जनरल रूल जो अभी हमने देखे थे वो सारे ये आ गए। ए एम इंटू ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन, ए एम ओवर ए एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। और इसमें ख्याल रहे कि ए जीरो नहीं आ सकता, इक्वल टू जीरो, कोई भी जीरो नीचे किसी भी नंबर के नीचे जीरो बटे में नहीं लाया जा सकता। ए की पावर एम की कंबाइंड पावर एन तो ये हो जाएगा ए की पावर एम इंटू एन। अगर ए बी के पावर दोनों की एन है तो अलग अलग भी एन एन पावर होगी। इसी तरीके से डिवीजन, और ये याद रखें कि ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1 जबकि ए 0 के इक्वल नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम कुछ एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, जो अभी हमने प्रोडक्ट और मुख्तलिफ रूल्स पढ़े हैं वो यहाँ पर अप्लाई होंगे। x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 5a। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो गया x3 इंटू x4। फिर अब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में प्लस का साइन आएगा, तो ये हो गया x3 इंटू 5a। यहाँ पर सेम बेसिस हैं इसलिए पावर्स एड हो जाएंगी, तो 3 + 4 = 7 हो गया प्लस। अब यहां पर सेम बेसिस नहीं है तो इसमें कोई चेंज नहीं आ सकती, ये हो जाएगा 5a x 3, ये इसका आंसर है। इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करें तो उसका तरीका ये होता है कि पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस का साइन देकर फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा x इंटू ए माइनस 6 प्लस ये वाला प्लस का साइन यहां आ गया 5 इंटू ए माइनस 6। पहले x को इससे मल्टीप्लाई किया फिर 5 से, तो अब इसे ब्रैकेट को खोल लें, ये हो जाएगा एक्स ए माइनस 6x प्लस 5a - 30। अब इसमें आप देखें कि कोई भी सेम बेस नहीं मौजूद तो इसलिए इसका आंसर यही रहेगा। यहां से अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2x को इन दोनों से करेंगे, तो 2x को x3 से किया तो ये हो गया 2x की पावर 3, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा सेम बेसिस है, x मल्टीप्लाइड बाय x2 x की पावर 3 होगी। फिर 2x को माइनस x से मल्टीप्लाई किया, सेम बेस है इसलिए पावर एड हो जाएंगी और ये माइनस में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, जो हो गया 2x2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -10x, क्योंकि इस केस में 2x मल्टीप्लाइड बाय -5, तो सिर्फ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि बेस नहीं है। उसके बाद अब 3 को इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन आएगा, क्योंकि ये प्लस का साइन है, तो ये हो गया 3x² और -3x और -15। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, ये हमारे पास मौजूद है 2x3 और कोई x3 का नंबर नहीं है जिसकी पावर 3 हो, ये अकेला नंबर है। उसके बाद x² और ये भी x², ये है -2x², ये +3x², तो ये इसमें से 1x² बच गया जो कि प्लस का है, तो हम कहेंगे +x². उसके बाद ये -10x है और ये -3x है, तो दोनों मिलकर -13x बन गया, और 15 तो इसके अलावा कोई कांस्टेंट है ही नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का ये आंसर है x -3 का स्क्वायर। ये याद रखें
कि स्केयर की वजह से ये नहीं कर सकते कि इसकी भी पावर टू कर दें और इसकी भी पावर टू कर दें, ये गलत होगा। इसके बजाय आप ये देखें कि इसको हम दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई करें, तो पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्केयर, एक्स को x से मल्टीप्लाई किया, फिर x को माइनस थ्री से किया तो माइनस थ्री एक्स, फिर माइनस थ्री को इस x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री एक्स, अब माइनस थ्री और माइनस थ्री को मल्टीप्लाई किया तो प्लस नाइन, ये आ गया आपके पास एक्स स्केयर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, जो कि इसका आंसर है। अब हम इस दूसरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें आप देखें कि कोई प्लस माइनस नहीं आ रहा, तो सिर्फ आपने पावर की ट्रीटमेंट करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि 3 इंटू फोर ट्वेल्व, देन ए को ए स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे ए थ्री, फिर बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी सिक्स, क्योंकि बी की पावर वन है और ये फाइव है और बी बेस सेम है इसलिए ये पावर ऐड हो जाएंगी पी की पावर सिक्स। अब ये आपके पास नीचे मौजूद है, अब जब बटे में मौजूद हो तो डिनोमिनेटर की पावर ऊपर वाले में से माइनस हो जाएंगी, तो ये ट्वेल्व और एट ये फोर से कैंसिल होकर थ्री ओवर टू बन गया। अब ए की पावर थ्री है, इसमें से ए की पावर टू यानी कि थ्री माइनस टू ए बच गया इधर, फिर ये बी की सिक्स है और ये बी की थ्री है तो ये ऊपर जाकर माइनस हुई तो बाकी बच गया बी थ्री, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरीके से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो इसमें इन दोनों टर्म्स को अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज तो इसमें से सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप इसमें से देखेंगे थ्री और टेन, इसमें कॉमन फैक्टर है टू, हमने कॉमन ले लिया, फिर इसमें क्यू स्क्वायर है इसमें क्यू है इसलिए क्यू भी कॉमन आ जाएगा। अब बाकी क्या बच गया, ये सिक्स को टू से डिवाइड किया तो थ्री हो गया और पी क्या एज इट इज आ गया, जबकि क्यू स्क्वायर था एक क्यू बाहर जा चुका तो एक क्यू बच गया माइनस। अब इसमें से टू निकला तो ये फाइव बच गया क्योंकि टू कॉमन जा चुका है, पी स्केयर ऐसे ही रह गया और क्यू हमने कॉमन ले लिया था इसलिए वो ऐसे ही रहेगा। अब इसको फोर क्यू से डिवाइड कर, अब ये क्यू इस क्यू से कैंसिल हो गया और ये टू टू बन गया, इसका मतलब है आपके पास जो बच गया वो है थ्री पी क्यू क्यू माइनस फाइव पी स्केयर ओवर टू डिवाइडिंग बाय ए फ्रैक्शन। द रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर एक्स इज वन ओवर एक्स, यानी कि किसी भी नंबर का वाई है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा वन ओवर वाई, अगर फाइव एक्स स्केयर है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा वन ओवर फाइव एक्स स्केयर। डिवीजन कैसे होगी, फ्रैक्शंस को अगर हमने मैथमेटिकल फ्रैक्शंस को डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे कि ये एग्जांपल दी गई है थ्री ओवर फोर डिवाइडेड बाय सेवन ओवर एक्स, तो इसका बिल्कुल आसान तरीका है कि डिवीजन साइन के बाद राइट साइड के ऊपर जो टर्म मौजूद है इसका रेसिप्रोकल लेकर पहले से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इस थ्री बाय फोर को एज इट इज लिख दिया हमने लेकिन डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई कन्वर्ट किया और इसका रेसिप्रोकल ले लिया यानी कि इसको उल्टा कर दिया, सेवन ओवर एक्स के बजाय एक्स ओवर सेवन हो गया, तो ये हो गया थ्री एक्स और ये हो गया ट्वेंटी एट, ये हमने थ्री बाय फोर को डिवाइड किया है सेवन बाय एक्स से। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें ऊपर वाली टर्म में हम लेते हैं एक्स एलसीएम आ गया और ये या सिंपली हम कह सकते हैं कि इसको पूरे को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा, ये ऊपर वाले को हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया और एक्स को नीचे भी रख लिया, या सिंपली हम कहते हैं कि ये इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया एक्स आ गया नीचे, इसके नीचे वन था यानी कि मैं इसको अलग लिख लेता हूँ थ्री प्लस वन ओवर एक्स, अब इसका एलसीएम है एक्स इसके नीचे था वन, अब ये थ्री से मल्टीप्लाई हो गया थ्री एक्स प्लस वन, तो ये ऊपर वाला आ गया थ्री एक्स प्लस वन।
ओवर, अब यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये बन जाता है 5 ओवर x + 4 ओवर 1, और इसका एलसीएम आ गया x, तो ये 5 + 4x, 5 + 4x ओवर x। अब इसको क्योंकि ये दो टर्म है जो एक दूसरे को डिवाइड कर रही हैं, तो हम इसको डिवीजन में लिखते हैं। ये हो गया 3x + 1 ओवर x डिवाइडेड बाय 5 + 4x ओवर x। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन में तब्दील करेंगे और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे। 3x + 1, ये डिवीजन को हमने मल्टीप्लीकेशन में बदला और इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 5 + 4x। x से x कैंसिल हो गया तो ये आ गया 3x + 1 ओवर 5 + 4x, जो कि इसका आंसर है। प्रॉपर्टीज देखें कुछ अलजेब्रा में, a + b = b + a, यानी कि नंबर प्लस में और ऑर्डर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 + 3 = 3 + 5 है, इसलिए a + b = b + a भी हो सकता है। x + 2 जो है वो 2 + x भी हो सकता है। इसी तरीके से 5 × 3 जो है वो 3 × 5 के इक्वल है, इसलिए प्रोडक्ट में भी ऑर्डर बदलने से फर्क नहीं पड़ता। 2 × x × 2 = 2x। इसी तरह से a + b अगर ब्रैकेट में और c ऐड हो रहा है, तो इसमें से a को बाहर निकाल दें और b + c को अंदर ले जाएं, एक ही बात है। -1 से किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल के साथ माइनस लग जाएगा, नेगेटिव वेरिएबल को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे, दोनों माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस ब्रैकेट से बाहर है तो वो एक्चुअली दोनों से मल्टीप्लाई होकर अंदर वाली वैल्यूज को -a और -b में तब्दील कर दिया। a/b = होता है c/d के। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पता चलेगा कि d को a से मल्टीप्लाई किया = b और c। ये माइनस की ट्रीटमेंट देखें, माइनस यहां लिखा हो तो ये ऊपर वाले के साथ भी लिखा जा सकता है, या फिर इसे नीचे वाले के साथ भी लिखा जा सकता है। और अगर दोनों में माइनस आ जाए, -a और -b, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, फिर ये a/b भी लिखा जा सकता है। इसको अलग रखें, ये अलग चीज है। अगर दोनों फ्रैक्शंस दी हुई हैं और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को एक दफा नीचे रखें और दोनों को ऊपर प्लस या माइनस जो था वो कर लें। इसी तरीके से अगर दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो फिर आप ये मेथड करेंगे, जैसे कि यहां दिया गया है ab + -cd, तो आप ये मेथड लगाएंगे, यानी कि नीचे वाले दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा bd। फिर जैसे ये एरो शो कर रहा है, a को d से मल्टीप्लाई करें, d को a से, प्लस माइनस साइन आ जाएगा। फिर ये जैसे एरो शो कर रहा है, b को c से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास एक फार्मूले की शक्ल में मौजूद है। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। a/b × c/d हो जाएगा ac/bd। अगर डिवीजन हो तो वही काम करेंगे कि हम इसको डिवीजन को प्रोडक्ट में बदलेंगे और c/d का रेसिप्रोकल लेकर d/c कर देंगे। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसको दो नंबर्स के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा जा सकता है, और वो दोनों नंबर वन और इटसेल्फ के इक्वल। इंट्रोडक्शन टू फैक्टरिंग। कंपोजिट नंबर वो नंबर है जो दो या दो से ज्यादा नंबर के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा जा सकता है, जैसे 15 है, इसको हम 3 और 5 के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं। 35 है, इसको हम 5 × 7 लिख सकते हैं। तो 7 और 5 इसके फैक्टर्स हैं, और 35 कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से 15 भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 और इट्स सेल्फ के अलावा किसी दूसरे नंबर की प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा जा सकता है। इसी तरीके से कंपोजिट एक्सप्रेशन क्या होगा,
जो दो या दो से ज़्यादा नंबर या एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा जा सकता है, जैसे कि एक्स के प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ये कंपोजिट है, क्योंकि इसको आप देखें सॉल्व करके तो ये लिखा जा सकता है एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू की शक्ल में। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, एक्स प्लस वन इज़ ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, सिमिलरली एक्स प्लस टू इज आल्सो द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। और इस तरह से क्योंकि ये दो एक्सप्रेशंस का फैक्टर है इसलिए ये कंपोजिट एक्सप्रेशन है। थ्री वाई स्क्वायर प्लस ट्वेल्व वाई, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसमें देखें कि फैक्टर कौन कौन से हैं, इसमें थ्री वाई स्क्वायर में थ्री ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, यानी कि थ्री से ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरीके से ये दोनों टर्म्स y से भी डिवाइड होती हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें 3y कॉमन फैक्टर है। तो 3y हमने कॉमन ले लिया, अब 3y स्क्वायर को आप 3y से डिवाइड करें तो आंसर आएगा y, तो अंदर हमने y लिख दिया। प्लस अब 12y को 3y से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 4, तो अंदर 4 आ गया। ये दोनों इसके फैक्टर्स बन गए और ये टर्म्स फैक्टराइज हो गई। इसमें एक फैक्टर 3y है और दूसरा y प्लस 4 है। उसके बाद आते हैं इस इक्वेशन की तरफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको नॉर्मल मेथड से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल ऐसा है ही नहीं, कॉन्स्टेंट नंबर जो या वेरिएबल जो कॉमन लिया जा सके। अलबत्ता इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, अगर चाहें तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि ये बन जाएगा x इंटू ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो हमारे पास c आ गया और c एज इट इज हो गया। अब उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू लिखेंगे, यानी कि 3x के दो हिस्से करती है 2x और x। इसमें से अब x कॉमन लिया जा सकता है तो x प्लस टू, और इसमें से 1 कॉमन लें तो ये भी x प्लस टू। अब इसमें x प्लस टू और x प्लस टू दोनों टर्म्स में मौजूद है, इसको फिर कॉमन ले लें तो x प्लस टू और बाकी बच गया इधर, इसमें से ये कॉमन लिया तो x बच गया, इसमें से ये कॉमन लिया तो 1 बच गया। अब आपके पास ये दोनों फैक्टर आ गए, यानी कि x प्लस टू और x प्लस वन इसके फैक्टर्स हैं। ये अलजेब्रा के कुछ फार्मूले हैं, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह से ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए प्लस बी, या इसको सिंपली ए प्लस बी का स्केयर भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर, ये ए माइनस बी और ए माइनस बी यानी कि ए माइनस बी के स्केयर के इक्वल है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। इसी तरह से माइनस के केस में ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ए प्लस बी का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्केयर बी प्लस थ्री ए बी स्केयर प्लस बी स्केयर, और माइनस के केस में अल्टरनेटिव होगा माइनस, एक प्लस एक माइनस, बाकी टर्म्स वही ही रहेंगे। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसका मेथड ये है कि आप ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको ए से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ये होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो c है इसको a से मल्टीप्लाई करें तो ए सी, जो मल्टीप्लीकेशन से आता है वो आपके पास एक नंबर आ जाएगा, जैसे इस केस में 2 इंटू थ्री सिक्स आ गया। अब आपने इस 5 के दो पार्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और प्लस करें प्लस माइनस करें तो 5 आ जाए। तो फैक्टर इसके कौन कौन से बन जाते हैं कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू थ्री, देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और अगर इनको ऐड करेंगे तो 5 आएगा। ये जो प्लस का साइन है ये आपको इंडिकेट करेगा कि साइन
इन दोनों पार्ट्स का साइन क्या हो सकता है। अगर ये प्लस में है तो दोनों का साइन सेम होगा, यानी कि दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस में। और अगर यहां पर माइनस होगा तो जो इनके पार्ट्स बनाएंगे उसमें से एक प्लस का होगा एक माइनस का। अब इस केस में यहां पर प्लस मौजूद है, इसका मतलब है 5 के दो पार्ट्स बनेंगे जिनको ऐड करने से 5 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, तो वो पार्ट्स बनते हैं 2 और 3। तो ये बन गया 2x² + 3x + 2x + 3 = 0। अब इसमें से आप x को कॉमन ले लें तो ये आ गया x 2x + 3। इसमें से आप 1 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2x + 3 = 0। अब इसमें से 2x + 3 कॉमन आ जाएगा तो 2x + 3 और इनटू ये x और ये 1 बच गया हमारे पास, x + 1 = 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी जीरो करें तो x + 1 = 0। यहां से हमारे पास आता है x = -1 के, ये एक आंसर आ गया इसका। दूसरा हमारे पास है 2x + 3 = 0। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2x = -3 और x = -3/2। ये हमारे पास दूसरा आंसर है। इस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व होकर हमें x की दो वैल्यूज दे रही है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये है x² = 3x। इसमें से इन दोनों इक्वेशन को दोनों साइडों को x से डिवाइड करते हैं तो x² / x = 3x/x। तो ये x से x कैंसिल हो गया और x से ये 2 पावर खत्म होकर 1 रह गई, तो ये आ गया x = 3, जो इसका आंसर भी है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 से पहले ब्रैकेट को एक्सपेंड करके इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2w² - 4w = 6। अब ये 6 इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा तो 2w² - 4w - 6 = 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं तो आप -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12। अब आपने 12 के दो पार्ट करने हैं जिनको प्लस माइनस करने से 4w आ जाए, -4w आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए। और जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि यहां पर माइनस मौजूद है, इसका मतलब है एक प्लस का पार्ट होगा एक माइनस का। तो देखें कि कौन से पार्ट हो सकते हैं। 12 के पार्ट्स के लिए हम करते हैं 6 2 6 2, दोनों को मल्टीप्लाई करें 12 आते हैं और एक को -6 रखेंगे एक को 2 तो 4w बच जाएगा। तो ये हो गया 2w² - 6w + 2w - 6 = 0। यहां से अब आप 2w कॉमन ले लें तो ये बच गया w - 3। अब इधर से 2 कॉमन ले लें तो ये बच गया w - 3 = 0। और अब इसमें से w - 3 कॉमन आ जाएगा, w - 3 * 2w + 2 = 0। अब यहां से बारी बारी दोनों को इक्वल करें 0 के तो w - 3 = 0 और w = 3 आ जाएगा। एक इसका आंसर आ गया। फिर दूसरा है
टू डब्ल्यू प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब टू इसमें से कॉमन है, वो दूसरी साइड पर जाकर ज़ीरो से डिवाइड, जब ज़ीरो को टू से डिवाइड करेंगे जवाब ज़ीरो आ जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास। चलें इसको इस तरह कर लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस इस टू को दूसरे साइड पर लेके माइनस टू हो गया। अब दोनों को टू से डिवाइड कर दें तो माइनस वन आ गया, यानी कि इसका आंसर है w माइनस वन और w इज इक्वल टू थ्री, इसके दोनों आंसर आ गए। अब हम देखते हैं इस इक्वेशन को, तो पहले z को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया z स्क्वायर माइनस 2z और ये 3 इस साइड पर आकर माइनस हो गया इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने इसमें से z को पहले मल्टीप्लाई किया जिससे z स्क्वायर माइनस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है और ये माइनस साइन है, यानी कि प्लस माइनस करना होगा कि प्लस माइनस करें तो 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए। तो हम 3 और 1 ले लेते हैं इसके फैक्टर्स, z स्क्वायर माइनस 3z प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से z कॉमन निकल आएगा तो ये आ गया z माइनस 3, इसमें से z माइनस 3 में से प्लस 1 कॉमन आ गया और ये इक्वल हो गया z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को देखें कि z माइनस 3 कॉमन है इसमें, तो z माइनस 3 इंटू z प्लस 1। अब इनको बारी बारी जीरो के इक्वल करेंगे तो z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 3, ये एक आंसर आ गया। फिर है z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू माइनस 1, ये इसका दूसरा आंसर आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी हमने फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन किए थे, उसमें हम a को c और a को मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसके पार्ट्स करते हैं, लेकिन बाज़ात ऐसा होता है कि ये मुमकिन नहीं होता, उसके पार्ट्स नहीं बनते, यानी कि फैक्टर्स नहीं बनाए जा सकते, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ की जा सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर केस में यूज़ हो सकती है, अगर उसके फैक्टर बनते हैं तब भी और नहीं बनते तब भी। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए ये रिलेशन यूज़ किया जा सकता है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसमें से देखें कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट ओवर टू ए, यानी कि इस प्लस माइनस का क्या मतलब है कि एक आंसर प्लस का होगा और एक आंसर माइनस का होगा, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अमूमन दो आंसर देती है रियल वैल्यूज में। डिस्क्रिमिनेंट, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो अंडर रूट के अंदर फैक्टर मौजूद है जिस जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो इसका आंसर जरूर आएगा रियल नंबर में, अगर ये नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव के अंडर रूट में आने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चला जाएगा जो अमूमन टेस्टों में टेस्ट नहीं किए जाते। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज पॉजिटिव रियल सॉल्यूशन, इसका आंसर रियल नंबर में आएगा। व्हेन इट इज जीरो, तो इस सूरत में सिर्फ और सिर्फ एक रियल सॉल्यूशन होगा, और व्हेन इट इज नेगेटिव तो फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आएंगे जो कि हमारे टेस्टों के स्कोप से बाहर चले जाते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो।
अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी था तो माइनस माइनस थ्री, ये माइनस माइनस बी हो गया, प्लस माइनस बी स्केयर यानी कि माइनस थ्री का स्केयर, माइनस फोर बी सी, बी है माइनस थ्री, माइनस फोर ए सी, माइनस फोर ए सी, ए है इसमें वन और सी इसमें है वन, तो ये हो गया वन ओवर टू ए यानी कि टू, क्योंकि ए इज इक्वल टू वन है, तो ये बनता है थ्री प्लस माइनस, ये थ्री माइनस थ्री का स्केयर नाइन, नाइन माइनस फोर ओवर टू जो कि इक्वल है थ्री प्लस माइनस फाइव अंडर रूट ओवर टू, यानी कि अब इसके दो आंसर आपके पास आ गए, एक है थ्री प्लस फाइव का अंडर रूट बाय टू और दूसरा है थ्री माइनस फाइव का अंडर रूट बाय टू। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं, ये बनती है टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर अप्लाई करें तो एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस फोर, ये प्लस फोर हो गया क्योंकि हमने माइनस बी लेना था और बी की वैल्यू है माइनस फोर, तो माइनस बी मीन माइनस माइनस फोर, तो प्लस फोर हो गया, प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर का स्केयर, माइनस फोर ए सी, ए इस केस में है टू और सी है माइनस फाइव ओवर टू ए, तो फोर आ गया नीचे टू ए, ये बन गया फोर प्लस माइनस सिक्सटीन माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो टेन, टेन फोर्टी ओवर फोर जो कि इक्वल होगा फोर प्लस माइनस 56 ओवर फोर। अब इसको लेते हैं तो फोर प्लस माइनस, अब 56, 56 के कौन से फैक्टर्स हैं जो कंप्लीट स्केयर में जा सकते हैं, ये बनते हैं सिक्स और नाइन ओवर फोर और ये आ गया फोर प्लस माइनस, थ्री बाहर निकल आया सिक्स अंदर रह गया ओवर फोर। इस तरह से इसके दो आंसर बन गए, ये एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, और यही इसका आंसर है। फिर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला लगाएं तो एक्स इज इक्वल टू बी के साथ माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस वन प्लस माइनस बी स्केयर यानी कि वन का माइनस वन का स्केयर वन, माइनस फोर ए इंटू सी ओवर टू इज इक्वल टू वन प्लस माइनस वन, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 12 हो गया ओवर टू इज इक्वल टू वन प्लस माइनस 13 अंडर रूट ओवर टू। इस तरह से इसके दो आंसर बनेंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अब इनको भी हम फैक्टराइजेशन से करते हैं, इसको फैक्टर कौन से बन सकते हैं इसमें से। आप ये देखें कि इस पूरे के अंदर टू एक फैक्टर है और सबसे छोटी पावर एक्स स्केयर है, तो टू एक्स स्केयर इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, तो ये बन जाएगा टू एक्स स्केयर किया तो फोर एक्स स्केयर बच गया माइनस
2x बच गया और प्लस 5 बच गया, क्योंकि x स्क्वायर तो कॉमन लिया जा चुका है। अब अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको सॉल्व करते हैं। और पहले हम ट्राई करते हैं इसको फैक्टराइज से। ये बनते हैं 4 और 5 का बन गया 20। अब 20 के टू पार्ट्स करें, जो मल्टीप्लाई करने से 20 आया, प्लस माइनस करने से 2 आना चाहिए। तो 2 लाने के लिए दोनों का डिफरेंस 2 हो, तो हम यहां से देख सकते हैं इसको 2 10 2 5 जो कि फैक्टर नहीं बनते, इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी।